एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और ऐसे में लोगों की जिंदगानी जो है वो त्राहिमाम हो रही है। दरअसल हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के NHAT पर। ये वही NHAT है जिसकी तस्वीर आपको पहले भी दिखा चुके हैं। बदहाल स्थिति में यह NHAT हर हमेशा रहती है और हर हमेशा अपने बदहाल स्थिति के कारण सुर्खियों में बनी रहती है। एक बार फिर से गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद इस पर दबाव पड़ने लगा है। आपको वो तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, JCB से कार्य किया जा रहा है ताकि किसी तरीके से NHAT का जो हिस्सा है उसको बचाया जा सके, क्योंकि पुनः NHAT पर जो कटाव है वो होना शुरू हो गया है और जो NHAT का हिस्सा है वो फिर से कमज़ोर होना शुरू हो गया है। आप इन तस्वीर को देख रहे होंगे कि किस तरीके से NH विभाग जो है वो लगातार कार्य करवा रही है। वो पुलिया है जहां से पानी का लगातार जो दबाव है वो पड़ रहा है। इसके बाद हम आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे। बड़ी वाहनों पर इस बार रोक लगा दी गई है। पहले भी हमने ये खबर दिखाई थी कि जैसे ही पानी का दबाव बढ़ा था बड़ी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जिसके जो कारण था वो प्रशासन की लापरवाही सामने आई थी, जिसके बाद बड़ी गाड़ियों का जो आवागमन था वो बाद में बाधित किया गया था। लेकिन इस बार पानी का दबाव जैसे ही NHAT पर पड़ा बड़ी वाहनों पर रोक लगा दी गई है और कार्य किया जा रहा है। हालांकि दुरुस्त करने के बाद इस वाहनों की आवाजाही को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि अगर पानी घटा था उस समय कार्य कर दिया होता तो NHAT दुरुस्त हो जाता और अभी आवागमन बाधित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पानी जब बढ़ता है तो विभाग कि नींद खुलती है और पुनः काम शुरू करता है। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता है कि जो पानी का करंट है उस पर काम करने से क्या वह कटाव जो है क्या वो रुक पाएगा, या NHAT का जो हिस्सा जो कटने वाला था उसको क्या रोक पाएगी। हालांकि पहले से ऊंचा कर दिया गया है, पहले डायवर्जन बनाया गया था जिसके बाद जो NH पर पानी चढ़ गया था, हालांकि इस बार उस डायवर्जन को भी ऊंचा कर दिया गया है और पुलिया को शुरू कर दिया गया है। उसके बावजूद भी वहां पर पानी का दबाव इतना तेज था कि किनारा उसका कटने लगा था। उसके बाद कार्य को पुनः से प्रारंभ कर दिया गया है, बचाव कार्य किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या NHAT बच पाती है, बड़े वाहनों का आवागमन शुरू रहता है या पुनः बाधित हो जाता है। क्या लगता है NH की स्थिति क्या है? NH की स्थिति पहले से भी बदतर हो गया है। जिस टाइम में पानी कम हुआ था, मान लीजिए इससे पहले एक बार पानी आया था, जो टाइम में पानी आया था अगर उस टाइम में फिर पानी घट गया, पानी घट गया तो ठीक से काम करके इसको दुरुस्त करना चाहिए था, लेकिन लापरवाही है, लापरवाही के चलते फिर वही हाल होगा। आवागमन क्या होगा, फिर पानी बढ़ेगा, नाव चलेगा तो नाव के द्वारा किया जाएगा। बड़ा गाड़ी को तो रोक दिया, बड़ी गाड़ी पर रोक लग गया है। देख रहे हैं 2-व्हीलर 4-व्हीलर सब टप रहा है। इससे पहले दुर्घटना भी हुई थी बड़ी गाड़ी की। हाँ, पानी में यहीं पर कुछ वहाँ पर कुछ मीटर आगे वहाँ पर गाड़ी गिर गई थी। गाड़ी चल रहा है, क्या लगता है संभल जाएगा? नहीं, देखिए क्या होता है, हमको नहीं लगता संभल पाएगा। पानी का करंट काफी तेज है, बहुत तेज है। फिर कैसे आना जाना होगा लोगों का? आना जाना तो अब एक को सहारा है कि नाव चलेगा तो आदमी नाव से आएगा जाएगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। मतलब NHAT फिर से बदहाल स्थिति हो गया NH का।